का होस्ट मोहम्मद रमजान अकबर। आज मैं मौजूद हूँ बस ट्रैवल पर। आज चांद रात का दिन है और हम मुसाफिरों से पूछेंगे कि वो अपने आबाई गांव जा रहे हैं ईद मनाने के लिए, तो हम मुसाफिरों से भी बात करेंगे। और वो आप जान रहे हैं COVID-19 की चौथी लहर तेज़ी से बढ़ रही है, तो लिहाजा उस पर आमद दरामद करें, मास्क का इस्तेमाल करें। आज मैंने भी मास्क लगाया हुआ, आप देखते हैं, और जो उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ। तो हम आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरी वीडियो वॉच करनी है आपने, और वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जनाब। तो हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बकरा ईद में एक दिन रह गया, आज चांद रात का दिन है और मुसाफिर हजरात अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए मुख्तलिफ बसों से अपने आबाई शहरों में जा रहे हैं। और यहाँ पे सोचने की बात है जनाब कि चौथी लहर तेज़ी से बढ़ती जा रही है और मुसाफिर हजरात यहाँ पे COVID-19 की SOPs पर अमल दरामद नहीं। बहावलपुर से लोग अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहरों में जा रहे हैं, आप देख सकते हो व्यूअर्स। व्यूज़ बड़े बस अड्डों में से एक बड़ा अड्डा बहावलपुर में भी है, जनरल बस स्टैंड और AC टर्मिनल। तो दोस्तों यहाँ पे इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद कराने में, जबकि दूसरी तरफ जो बस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हजरात हैं, वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशाइंद बात है। और चंद मुसाफिर होते हैं जो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, मास्क पहने। ज़्यादातर से में हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कोरोना वायरस नाम कोई वबा है ही नहीं, कुछ का तो ये इरादा है। और कुछ हजरात बहुत अच्छे खुशाइंद बात है कि वो COVID-19 की SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। और हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, इसे अगर काबू में लाया गया तो बहुत बड़ा खदशा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर फल फ्रूट वाले भी SOPs पर अमल दरामद करते हैं। और आप यहाँ पे, आपको आगे मैं बताता चलूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ टर्मिनल मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कोरोना SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है और कितने अपराधों ने यहाँ पे मास्क पहना हुआ, कितनों ने मास्क नहीं पहना हुआ। और लोग अपने प्यारों से ईद मनाने के लिए बहावलपुर से कई शहरों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में यहाँ से बसें जा रही हैं। मेरे हाथों में मेरे पीछे आप देख सकते हो व्यूज़, तो व्यूज़ यहाँ पर बेशतर अफराद ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। और जो ट्रैवल के जो मतलब जो ड्राइवर हजरात हैं, कंडक्टर हजरात हैं, वो मास्क पे अमल दरामद कर रहे हैं। और जो उनके मुसाफिर आते हैं उन्हें भी वो आगाही देते हैं कि मास्क लगाएं। COVID-19 की चौथी लहर आ रही है, बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। और हम आज तो लोग आपको बता रहे हैं कि हमारा जो मुख्तलिफ शहरों में मुसाफिर जा रहे हैं ईद के हवाले से, उस पर हमारा ब्लॉग है। तो मास्क का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। जो ट्रैवल के ड्राइवर हो गए, कंडक्टर हो गए, वो तो मास्क लगा रहे हैं और मुसाफिर भी लगा रहे हैं चंद एक, और काफ़ी सारे मुसाफिर हैं वो नहीं लगा रहे मास्क जनाब। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? से जाए कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं? तो अब आप अपने कितने हफ्ते बाद जा रहे हैं? और किराए के हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? ट्रेन के साथ ट्रेन सही है, ट्रेन के साथ ट्रेन भी सही है, सर बस एक्सप्रेस। क्या नाम है आपका? असद जवेद। असद जवेद भाई, आप कहाँ जा रहे हो आज? मैं कितना ढाई से तीन भाई, आपका क्या नाम है? आप भी दोनों इकट्ठे ही सफर कर रहे हो, आपने रास्ते में क्या देखा कि कोरोना SOPs पे अमल दरामद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं, थोड़ा बहुत आप तो माशाल्लाह कर रहे हो। हम तो कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है कि जितना एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, तो व्यूज में एक ट्रैवल पे मौजूद है, ये ताहिर का ट्रैवल है, ये कोरोना SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद करा रहे हैं और मुसाफिरों से भी तस्कीन कर रहे हैं और उन्हें मास्क भी मुहैया कर रहे हैं। हम गाड़ी के अंदर का भी व्यू आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हो। ये इनका जो ट्रैवल है वो है बहावलपुर से बहावल नगर के दरमियान, इनकी कोचेज चलती हैं, आप देख रहे हैं एयर कंडीशन कोचेज हैं इनकी। और हम प्रॉपर आपको दिखाएंगे, ये प्रॉपर SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं COVID-19 की। और हम अंदर का व्यू भी आपको दिखाते हैं अभी।
जी हाँ व्यूज़, ये वो टर्मिनल है जो SOPs पर प्रॉपर अमल दरामद करता है और अपने मुसाफिरों को, पैसेंजर को भी अमल दरामद कराता है। जी हाँ, ये ताहिर एक्सप्रेस टर्मिनल है जनाब, ये आप देख सकते हो।